हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना। आज हम बात कर रहे हैं लंग कैपेसिटी के बारे में और आप किस तरह फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के थ्रू लंग कैपेसिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी बात करते हैं हम लंग कैपेसिटी के बारे में। सो लंग कैपेसिटी वो टोटल अमाउंट ऑफ एयर है जो कि आपके लंग्स होल्ड कर सकते हैं ओवर द टाइम। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी और लंग का फंक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। एक्सरसाइज किस तरह लंग्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल रहती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग वह प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से या फिर बॉडी से बाहर कर रहे हैं। ब्रीदिंग को कंटिन्यू करने के लिए वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो पार्ट लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, जिसमें मसल्स ऑफ द नेक एंड चेस्ट आती है, डायफ्राम रहता है, मसल्स जो कि रिब्स के बीच में हैं, ये सारे मसल्स मिलके इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन कराते हैं और लंग की एफिकेसी को इम्प्रूव करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में जो कि आपकी लंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेंगी ताकि आप अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। सो फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक है हमारा रिलैक्स ब्रीदिंग। सो रिलैक्स ब्रीदिंग के लिए आपको या तो आप सिटिंग पोजीशन चूज़ कर सकते हैं या फिर स्टैंडिंग पोजीशन। कंफर्टेबली बैठ जाइए। इनहेल करना है आपको डीपली थ्रू योर नोज, आपके लंग्स को फिल करना है विद एयर। कुछ सेकेंड्स के लिए आपको रोकना है, आप 5 सेकेंड्स तक काउंट कर सकते हैं एंड देन स्लोली आप एक्सहेल करेंगे, आप अपने माउथ के थ्रू एक्सहेल करेंगे। सो ये एक्सरसाइज आप एक बार में 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं ताकि आप अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकें। अनदर वे है आप विद द पॉइंटर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, आप ब्रीदिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो रिलैक्स पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, आप इंस्पिरेशन करेंगे थ्रू द नोज़ और लंग्स को फिल करेंगे एयर, देन उस एयर को होल्ड करके रखना है, देन ग्रेजुअली आप एक्सपायर करेंगे थ्रू द माउथ, फिर रिलैक्स करेंगे एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द नेक्स्ट रेपिटेशन। सो ये भी एक बहुत अच्छा वे होता है टू ट्रेन योर रेस्पिरेटरी मसल्स। देन नेक्स्ट वी हैव सेकेंड डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए अगेन आप अपने बैक के बल पे लेटेंगे, आपको अपने नीज को बेंड करके रखना है। एक हाथ आप अपने चेस्ट पे रखने वाले हैं, दूसरा एब्डोमेन पे, या दोनों हाथ एब्डोमेन पे भी रख सकते हैं। सो जब आप इनहेल कर रहे हो आपको अपने एब्डोमेन को एक्सपेंड करना है, पेट को फुलाना है, चेस्ट यहाँ पर स्टिल रहेगा, चेस्ट में मूवमेंट नहीं होगा। जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपको अपने एब्डोमेन को पिचकाना है, मतलब फॉल नीचे की तरफ लेके जाना है। सो अगेन आपको ये भी फ्यू मिनट्स ऑफ डे परफॉर्म करना होगा ताकि आपकी ब्रीदिंग एफिशिएंसी, लंग कैपेसिटी बेटर हो जाए। की पॉइंट, आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इनहेल कर रहे हैं थ्रू द नोज़ होना चाहिए, जब भी आप एक्सहेल कर रहे हैं थ्रू द माउथ होना चाहिए। जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं आपको किसी भी हसल में नहीं होना चाहिए, आपको रिलैक्स होकर हमेशा एक्सरसाइज करनी है। आपको ध्यान रखना होगा कंसिस्टेंसी इज की व्हेन इट कम्स टू इम्प्रूविंग लंग कैपेसिटी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एक्सरसाइजेस डेली करना है। जब आप इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन में ले आते हैं तो आप पाएंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि अगर आप कुछ काम करने में 5 मिनट में हाफ नहीं लगे थे तो वो ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। सो आपको लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डेफिनेटली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।